मजलिस साहबजादागान सोसाइटी के साहबजादा अमीर सलामत अली ने रौनक यार खान को नवे निज़ाम बनाने के खिलाफ जाम निज़ामिया के फतवे को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि इस फतवे में रौनक यार खान के दावे को शरई तौर पर बातिल करार दिया गया है। सोसाइटी ने कहा कि वो प्रिंसेस असरा का साथ देगी। 29 रजब 1444 हिजरी में 21 फरवरी 2023 क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान इस मसले में के वाला शाह नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जहाँ बहादुर खलीफत उस्मानिया तुर्की अब्दुल मजीद खान के जानशीन और निज़ाम दक्कन आला हजरत हदर और खुदरत नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के जानशीन मुकरम जहाँ बहादुर मकफूर 8वें निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे। इनके इंतकाल की वजह से अब एक गैर खानदान का शख्स जिसका नाम रौनक यार खान नामी जिसका मुकरम जहाँ के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है अपने आप को वारिस बना रहा है। क्या गैर खानदान का आदमी को शरी मोहम्मदी के दायरे में वारिस कहा जाएगा? जवाब उसका ये मिला हमको कि बशर्ते सहत सवाल अना में खलीफे खिलाफत उस्मानिया तुर्की अब्दुल मजीद खान के जानशीन व निज़ाम दक्कन आला हजरत नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के जानशीन नवाब मीर बरकत अली खान बहादुर निज़ाम हश्तुम हैदराबाद दक्कन की वफात के बाद गैर खानदान का शख्स रौनक यार खान अगर मरहूम की विरासत और जानशीनी का दावा कर रहा है तो शरण इसका दावा बातिल है। ये साहब सबसे पहले तो मैं हसियाती में हूँ, वो एक प्रिंस है और प्रिंस के खिताब पे मौजूद है सारी दुनिया, उनको प्रिंसेस कहा जाती है। जो असरा मैडम को सारी दुनिया मुकरम जहाँ बहादुर की जौजा है उनके नाते उनको सारी दुनिया प्रिंसेस कहा गए। हम तो उनके शुक्र गुजार है कि उन्होंने मंदिर को दिया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि खानदान को दिया, हिंदू को दिया, मुसलमान को नहीं दिया। सबसे पहले तो ये बताया कि हमने सब दो आँख बराबर उस्मान अली खान बोले थे, हिंदू मुसलमान दो आँख बराबर, आज उनको दिए तो कल हमको भी देंगे, हमको उम्मीद है उस चीज़ से, हमारे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से, कोई देना बोल के हमारा ख्वाहिश नहीं है। हमारे को ये बताइए आप उनको देने से आपको क्या तकलीफ हो रही? फर्स्ट पॉइंट, पहले यहाँ पर देना नहीं देना अलग बात है, नए निज़ाम आप कौन होते डिसाइड करने वाले? आप ऐलान करें, आप कैंसलेशन करने वाले होते कौन? फर्स्ट पॉइंट बताइए मेरे को, सबसे पहले चीज मेरे को आप लोग बताइए आपके जरिए ये सारे चीजें आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं चाहिए? हाँ साहब वो उठाए भी उन्हें, सुनो आप उठाए भी वो लोग ही भगा चाहो तब नहीं हमने उठे, हम हकदार का साथ देंगे, हम असरा मैडम के, सुनो आप हम असरा मैडम का साथ देंगे, वो शहजादी है, वो कोई नहीं हैदराबाद की, वो हम उनके साथ रहेंगे, हम अल्लाह से दुआ करें उनको अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए, वो हमारे सर पे दायम और कायम रखे परवरदिगार, वो हमारे वास्ते हमारी माँ की दर्जा रखती है, वो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, वो हम उसके साथ मेरा दम तक है और उसके बेटे के साथ।